काफी है क्योंकि इस 41 गया है इस बार, वो मिसाइल वाला गर्मी पंजाब में सारे बोल रहे हैं कि वो मिसाइल की वजह से गर्मी आ रही है। अरे यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए गेट बैक टू वर्क। तो ये समझ में आया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स C3C4 बहुत क्लियर बता दिया था वैसे तो उस दिन। आई डोंट थिंक कि क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी अगर नहीं है तो फिर से क्लियर हो जाएगा। आपको एक और लड़का ज्वाइन किया है विपुल, विपुल याद है ना आता था, विपुल ने भी ज्वाइन कर लिया है बट ही इज ज्वाइनिंग बिकॉज ही इज वर्किंग, तो मोस्टली ज्वाइन करेगा, कभी कभी वीडियो देखेगा। ऐसे है 7 बजे वो घर आता है तो मैंने 7:30 बजे क्लास प्लान किया। खैर अभी 26 से स्टार्ट होगा क्लास फिर से, कल और चलेगा, इसके बाद में चला जाऊंगा अपने विलेज, ठीक है ना। काफी हेक्टिक हो गया शेड्यूल, माय गॉड लाइफ है ना, हर जगह टाइम देना पड़ता है, यू कैन नॉट फोकस एट वन प्लेस ओनली। जिंदगी बहुत इंतहाल लेते हैं। ओह अभी मैं देखो ऑफिस से आ रहा हूँ, अभी चेंज भी नहीं किया ड्रेस पढ़ाने बैठ गया। वो कौन कह रहा था उसने DCME और पैराकोट का डिस्कशन नहीं किया था सर मैंने। हाँ तो ये देख लो आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, तो ये मैंने उस दिन भी बोला था कि ये पॉइंट नोट करना है आपको, वेयर दे आर ब्लॉकिंग है ना। DCMU ये वाला होता है सर, सिया ख्याल में अक्सर ऐसा, हाँ अक्सर होता है ना, तो 680 और P700 के बीच में जो एक्साइटेड स्टेट है ना, यहाँ पे मैंने बताया था लाइट आती है, लाइट की वजह से एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है 680 नैनोमीटर की, उससे वो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसफर होगा QA QB के बीच में, ये ब्लॉक करता है DCMU, तो इसको डाई यूरान भी बोलते हैं, डाई यूरान, हाँ डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, तो दीज टू हर्बिसाइड नोन टू ब्लॉक द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, DCMU इज नोन एज डाई यूरान एंड साइट ऑफ एक्शन इज शोन इन दिस पिक्चर। सो DCMU ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्लो एट क्यूनोन एक्सेप्टर और फोटोसिस्टम सेकंड, ये नोट कर लो, QA मीन्स क्यूनोन राइट, बाय कंपीटिंग फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ प्लास्टिक क्यूनोन, तो प्लास्टिक क्यूनोन में जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग साइट है ये वहीं पे जाके बाइंड करता है, तो दैट्स वाई दे ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन द क्यूनोन्स। पैराक्विड्स एक्ट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्ली एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम वन, पैराक्विड्स का बिहेवियर उल्टा है, दे आर नॉट गोइंग टू बाइंड एट एनी साइट रेदर देन दे आर itself acting as a electron acceptor, they are indirectly they are bypassing the electron flow, तो कभी CSIR में ये नाम चेंज कर देता है, कभी पैराक्विड पूछता है, कभी मिथाइल वायलोजन, मैंने कई बार देखा कि मिथाइल वायलोजन भी पूछा हुआ है, एंड कई बार आपको पूछता है पैराक्विड के रूप में, तो दिस इज हर्बिसाइड। तो ऐसा थोड़ी है कि लाखों करोड़ों कमाते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होते, देखो ये इंटेलिजेंट है ना, इन्होंने ये सिस्टम डिस्कवर किया एंड दे पेटेंटेड इट एंड देन सेलिंग एज ए ड्रग्स, तब इनकी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना है जिसने डिस्कवर किया होगा सरकारी नौकरी वाले बेचारे सपोर्ट में होते हैं, वो डिस्कवर कर लेते हैं अगर टैलेंटेड होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं सर। मैं कह रहा ना सरकारी नौकरी वाले को पता होता है हमें जो सरकार दे रहा है, मोटे होते हैं पैसे पैसे। आज मैं गया हूँ सरकारी यूनिवर्सिटी में, एक फॉर्म था जमा करना था, उनका लंच हो गया था, कोई नहीं था, नो वन वाज एक्सेप्टिंग द फॉर्म, आई वाज वेटिंग फ्रॉम 1 to 2 एक घंटा, फिर 2 बजे मैं बैठा, जिनको आना था 2 बजे वो आए 2:30 बजे वही है ना सर,
अनदर हाफ एन आवर गॉन आई वॉज सिटिंग, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, चलो 2:30 बजे तक ओके हो गया। और मैंने देखा कि एक और भी प्रॉब्लम है, अगर मैं गेट पे पकड़ा के किसी को चला जाता है वो फॉर्म फेंक देता है ना, कोई रेफरेंस नंबर नहीं देता। और जब मैं इंक्वायरी करता था, पहले मैं ऐसे ही अप्लाई करता था, हार्ड कॉपी में क्या करता था, कुरियर कर देता था, कुरियर वाला पकड़ा के चला आता था। अब वो उन्होंने ना कोई रिस्पॉन्स देना है ना, तो जैसे होता है ना कुरियर का नंबर मिल जाता है, रेफरेंस नंबर भी नहीं देते थे किसने रिसीव किया क्या है, तो मेरा कहीं किसी यूनिवर्सिटी से आता ही नहीं था। तो आज मैं खुद ही गया यूनिवर्सिटी में, बगल में है यूनिवर्सिटी, वहाँ जमा किया खुद से सारा रेफरेंस नंबर लिया। तो आई होप सो कि इस बार कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये मैंने चीज सुनी थी कहीं यूनिवर्सिटी में कि जब आप एलिजिबल होते हो एंड यू आर श्योर दैट कि आज इस बार तो इसमें मेरा हो जाएगा, तो आपका फॉर्म ही गायब कर दिया जाता है जो मेन ऑफिस है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो फोटो सिस्टम वन में क्या प्रॉब्लम भाई, पैराक्विट कैसे काम कर रहा है? तो पैराक्विट एक्ट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्ली एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम वन एंड देन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो कभी कभी इस लाइन को पूछ देता है राइट, कि दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वेयर दे आर बाईपासिंग द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट, दे आर बाईपासिंग द इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग द सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड इतना डेंजरस होता है कि दे कैन डैमेज ऑल द क्लोरोप्लास्ट। और ये पूछा था सीएसआर में क्लोरोप्लास्ट के किस कंपोनेंट पे ज्यादा अटैक करता है वो सुपर ऑक्साइड, तो इतना पिन पॉइंटेड था क्वेश्चन। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ सुपर या विच वन इज ट्रू है ना, ऐसे पूछ सकता है, या आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 पैराक्विट इज बाईपासिंग द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन देन फॉर्मिंग नेक्स्ट स्टेप सुपर ऑक्साइड देन सुपर ऑक्साइड डैमेजिंग लिपिड्स। Is this clear? Yes, sir. वैस कट तो नहीं रही है? नहीं। ठीक है। तो काफी अच्छे से क्लियर हो गया? क्वेश्चन कर लें कुछ? Yes, sir. चलो। Following are certain statement regarding C3, C4 and CAM plots. Ratio of water loss to CO2 uptake is higher in CAM plants than it is in either C3 and C4 plants. Rate of photosynthesis at a maximum rate, अरे यार recording on नहीं किया आज, चल रहा है recording is on by chance मैंने कहा गया आज की recording। रिकॉर्डिंग से ही फायदा हो जाता है ना, कि जैसे बिल्कुल है वो देख लेगा, खुशबू 15 लोगों के लिए खाना बनाती होगी तो शाम से बिजी रहती है, वीडियो देखेगी तो चिल्लाएगी कहीं मेरे बारे में ऐसे बोलते हो। एक तो ये देख लो क्या है, रेशियो ऑफ वाटर लॉस पूछ रहा है, higher in CAM plant than it is in either C3 and C4 plants. Rate of photosynthesis at 10 maximum rate at lower intracellular CO2 partial pressure in C4 plants than in C3 plants. Compensation point in C3 plants are always lower than C4 plants. Plants with C4 metabolism needs less Rubisco than C3 plants to achieve a given rate of photosynthesis. Which one of the following combination of above statement is correct? बताओ, PQ, PR, RS, QS। ये तो पढ़ाया हुआ है ना? S नहीं है सर, तो S से दोनों कट जाते हैं। अरे यार मिनिमाइज कर रहा हूँ, नोट्स पलट लो, गूगल कर लो, लेकिन आंसर सही चाहिए। कैसे? तो मैंने पहले वैसे किया, जैसे आर इन्होंने बताया था कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट्स आर ऑलवेज लोअर, जबकि सर C3 प्लांट्स में ज्यादा होता है C4 प्लांट्स से, तो आर जिसमें भी है वो दोनों मैंने क्रॉस कर लिए।
तो फिर लक्ष्मी हाँ क्या बोलोगे? हाँ, यू सो अंडरस्टैंड? क्यों करेक्ट है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेंस मैक्सिमम टू रेट एट लो इन द सेलुलर सीओ टू पार्शियल प्रेशर, वो क्यों सेंटेंस करेक्ट है? यस ठीक है। और है कौन सा? सेंटेंस की फॉल्स, पी मतलब फॉल्स है, रेशियो ऑफ क्यों वाटर सही लॉस है? टू सीओ टू इज हायर। वाटर लॉस के लिए तो होता ही हाँ नहीं, ये सारा CmC3 वही कैम तो उल्टा वो कैक्टस सेव वाले करने के प्लांट लिए करते होता है हैं, उसमें तो ना। वाटर लॉस हो ही नहीं सकता। हाँ तो फिर क्यू एंड एस करेक्ट है, डी प्लांट विद सी फॉर मेटालियम नीड लेस रिस्क देन C3 प्लांट टू अचीव गिवन रेस, ठीक है ना। चलो एक तो ये आपके इंटरेस्ट का था। परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट इन प्लांट का पहला ऑप्शन सही है, इनहिबिशन ऑफ सेल एलॉन्गेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, ये नोट कर लो, याद कर लो अच्छे से, है ना। ब्लू लाइट का काम स्टोमेटा को ओपन करना और इनहिबिशन ऑफ सेल एलॉन्गेशन, ठीक है। ओह सॉरी, बाकी आपके सिलेबस के नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला दूसरा दोनों आपके सिलेबस के। हाँ इन प्लांट द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट्स, ठीक है, ये बताया था। पहले पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आता है रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। एक्सेसरी पिगमेंट बाय द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर लीफ सेल्स फॉलोड बाय द फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी आर अबंडेंट इन ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल सी एंड डी आर फाउंड इन सम प्रोटिस्टेंट्स एंड बैक्टीरिया। आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्लोरोफिल टाइप ए इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। आउट ऑफ डिफरेंट टाइप बैक्टीरिया क्लोरोफिल टाइप बी इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। सोचो मैं आता हूँ, सोचो, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि देखो स्ट्रेंथ है कि वेव ने फ्रेश पढ़ा, अगर हम अब अभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो अनुमति थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। मेरे बगल वाले कमरा लिए हैं तो वो इतना गर्म है कि सारे बाहर खड़े मेरा कमरा है चारों तरफ खुला हुआ, हवा आती है। ये वाला क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद आ रहा है ना। विच वन कॉम्बिनेशन करेक्ट पूछ रहा है, पी तो सही है, ठीक है। टाइप इज मोस्ट वाइडली, आर भी सही है। आउट ऑफ डिफरेंट बी तो गलत है, एस गलत है, मतलब एस गलत तो होगा ही क्योंकि अगर ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बी तो होगा नहीं, ठीक है। तो आर के बाद एस नहीं आएगा, पी की बार तो नहीं सही है, पी भी सही है, क्यू भी सही है, आर भी सही है, एस नहीं सही है। बस ऑप्शन कौन सा सही हुआ? PQRSB। ये ऑप्शन ना, पी क्यू आर, एस तो गलत है हाँ PQR A ऑप्शन। क्योंकि आर में अगर ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बी थोड़ी ना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, एक ही होगा ना, सर तो पी बी क्यू भी आर वाइड डी। हो सकता है तो ए नहीं हो सकता। अच्छा ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे पता है बी नहीं है बैक्टीरिया क्लोरोफिल में, क्योंकि क्या उनकी बात है, डिस्कवरी भी वैसे करते हैं ना, टाइप ए फिर टाइप बी, है जी। यस सर।
बिल्कुल इसका वायस में कॉन्फिडेंस लग रहा है। लक्ष्मी तो पी एन क्यू करेक्ट है, आर भी करेक्ट है मेरी तरफ से। ऑप्शन कौन सा बना? और ए क्यू आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट। हाँ पी क्यू आर, हाँ ये डिस्कस हुआ था पहले। लक्ष्मी थी उस दिन के लिए, बिल्किस मैं भी थी सर। अच्छा तुम गई थी? अच्छा हाँ फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ये। हाँ यस सर। चलो फॉलोइंग वाला पढ़ो, शायद ये वाला भी किया है। फॉलोइंग द स्टेटमेंट में फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ थायरॉइड मेम्ब्रेन। हाँ बता लो तब ना, किया तो दोबारा दोबारा चाय में लेके आया, मैं चाय पी भी नहीं सकता, पीना भी चाहता हूँ। गर्मी में चाय पीनी अच्छी होती है सर। अरे एक्चुअली मैं थका बहुत हूँ, मुझे डायबिटीज है ना, तो मैं चाय पीना नहीं चाहता, क्योंकि जब पी लेता हूँ तो मुझे पैर में ना झटके मारने लगता है। तो आप शुगर के बगैर पिया करें सर जी, वो डालता हूँ ना गुड़, वो सही गुड़ भी तो शुगर है ना सर। अब एकदम फीका ना हो गले को दर्दता रही है, ना रेस्पिरेशन होता है ना फोटोसिंथेसिस को, तो बस यही। हाँ नहीं आप ये आप जब बहुत दफा पियेंगे ना फिर आपको वो शुगर का नहीं लगेगा कि इसमें है कि नहीं। तुम तो निचोड़ लो बस मुझे बैठे बैठे नींबू की तरह पता नहीं अभी मैं कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज मुझे कैसे हुआ था, ये कोरोना की वजह से। ओह नो सर, कोरोना की वजह से डायबिटीज भी हो सकता है? कोरोना का बहुत साइड इफेक्ट है। अभी देखो ब्रिटिश जर्नल ने वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें 40-50% लोग इम्पोर्टेंट हो गए मेल में, वो पूरा खत्म, उनका सारा डिसफंक्शन हो गया। तो ये रिसर्च है, साइड इफेक्ट इतने तगड़े हैं कि कितनों को लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ओवरी कैंसर हुआ, इसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई ऑन स्पॉट, बच्चों में भी आ रही है। ये कोरोना वायरस क्यों इतना खतरनाक वायरस से कुछ ना वायरस वैक्सीन बन रहा है इतना मल्टीप्लाई इतना तेज करता है इतना कोई मतलब वायरस आज तक शायद इतना खतरनाक नहीं आया। इसको तो जेनेटिकली मॉडिफाई किया ना, नेचर ने तो बनाया ही नहीं इसको, इसको तो शरारत बस बनाया था ना चाइना ने और वो जो कौन बिल गेट्स है मिल के बनाया था, काफी फंडिंग हुई थी कि इसको इतना खतरनाक बनाओ कि करोड़ों रुपए की कमाई हो इसके वैक्सीन से, तो जब लोग मरेंगे, मरने का बिजनेस है, मरना भी लोगों की जान ले को एक बिजनेस होता है। पाकिस्तान जैसे सप्लाई चेन है ह्यूमन बॉम्ब का चाइना सप्लायर है कोरोना, चाइना अमेरिका कोरोना का, रसिया यूक्रेन अपना मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं किसकी मिसाइल कितनी तगड़ी है हम दीपावली एक दिन मनाते हैं, वो देखो अभी 50 दिन हो गए दीपावली मना रहे हैं, अभी पटाखे फोड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये कि फोटो सिस्टम वन कहाँ पे होता है, फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ पे होता है, ये हर बंदा नहीं बता सकता। फोटो सिस्टम सेकंड सेकंड अनस्टैकर्ड रीजन ऑफ द लोकल में रुकिए सर मुझे पता है। सविन्या को मैंने बोला कि तुम ज्वाइन करो क्लास, कहती है नहीं करनी सर। आपने बोला था ना वो एक पोस्ट जो यहाँ पर थी। हाँ वो बीएससी फॉरेस्ट्री और एमएससी फॉरेस्ट्री के लिए था वो, उन्होंने लिखा था ब्रांचेस, चलो कोई बात। हाँ उन्होंने सर लिखा था लेकिन वो था वैसा ही सर। फोटो सिस्टम फर्स्ट फोन करके पूछ लो ना, उनको फोन करके आप पूछ लो कि ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी वो सर उसपे करते हैं ना जो जहाँ कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है तो वहाँ उन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी है बीएससी फॉरेस्ट्री एमएससी फॉरेस्ट्री। तो तुम गालियां क्योंकि सर वो जो प्रोजेक्ट है ना वो कुछ उसके रिलेटेड है ना, विलो प्लांट के रिलेटेड जो
जिसके बैट बनते हैं वो यही कश्मीर में ही बनते हैं ना सर, क्रिकेट बैट। ओके, सर फिर तो सेकंड भी गल पी भी गलत है, क्यों भी गलत है, क्यों क्यों गलत है, क्योंकि सेम है, स्ट्रोमा में है। मगर सर वो तो पी है, इन्होंने बोला है ना सर पी फोटो सिस्टम सेकंड। अच्छा सेकंड, हाँ स्टेट वो ठीक है सर, सर वो ठीक है, पी ठीक है सर, फिर क्यों भी ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो ना, लाइट आएगी तो पहले क्लोरोप्लास्ट होगा, एक्सेसरी पिगमेंट होंगे, फिर थैल्कोइड में जाएंगे, फिर फोटोसिस्टम से सेकंड एक्साइट होगा, उसके अंदर स्ट्रोमा में होगा फोटोसिस्टम वन, मतलब गेस भी करो तो गेस अच्छा लगा सकते हो। आर तो देखो सीधा सीधा गलत लग रहा है, स्ट्रोमा में तो हो नहीं सकता क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है बेसिक से। तो फिर सर पी क्यू एस आंसर ठीक है, बी बी ऑप्शन इज राइट सर। हाँ लेकिन मैं इसको बहुत उम्दा क्वेश्चन दूंगा, अच्छा क्वेश्चन। ये वाला ऑप्शन करो, सेकंड वाला। अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ ए फोटॉन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू एक्साइटेड स्टेट, इसी बात में कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। When the energy of photon is? Energy of photon is more than of the ground state of the filament is equal to the energy gap between the jump. क्वेश्चन का सेंस पकड़ो। अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड टू एक्साइटेड स्टेट व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज, एक्साइटेड स्टेट कब जाते हैं, व्हेन एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट बट लेस देन दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल। एनर्जी ऑफ फोटॉन पूछ रहा है, फोटॉन तो एब्जॉर्ब हो गया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट होना है, लेकिन उल्टा पूछ दिया उसने, पूछ रहा है व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन कब क्या होती है, वो दूसरा चीज पूछ रहा है। ऐसे सावधान रहना होता एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के। मैं चाहता था इस बार ढेर सारे बच्चे आए तो बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, सब कोरोना में इनफर्टाइल हो गए पढ़ना ही नहीं चाहते कुछ, कई लोगों की याददाश्त चली गई कोरोना से, कई लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हुई, कई लोगों की किडनी खराब हो गई, कई लोगों के लीवर खराब हो गए, और मैक्सिमम को डायबिटीज हुआ, ये रिपोर्ट में पब्लिश है। तब मैं पढ़ा तो सॉल्व रह गया, मैंने कहा ये तो मेरे साथ भी हो गया, मेरा शुगर लेवल था 450 आफ्टर फिफ्थ डेज ऑफ कोरोना। कोरोना मतलब अटैक नहीं था, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली थी, हल्का सिम्टम आया, मैं मार्केट गया था कहीं इन्फेक्शन लग गया, 4 दिन तक मैं प्रॉब्लम में था, थोड़ा हाई फीवर सारा वीकनेस, 5वें दिन ठीक हुआ तो पता चला दूसरी प्रॉब्लम की पैरालिसिस की प्रॉब्लम आने लगी। देखो ये डी ऑप्शन सही है, इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, एनर्जी गैप की बात कर रहे हो ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में एक एनर्जी लेवल होगी ठीक है, अब जब ज्यादा फोटॉन एब्जॉर्ब होगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगी ठीक है ना। तो अगर वास्तव में पूछो तो जो फोटॉन की एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो इक्विवेलेंट हो रही है किसके, ग्राउंड स्टेट के, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में, क्लियर है।
नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ो, फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स रिगार्डिंग लोकलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सुप्रामोलेक्युलर कॉम्प्लेक्सेस ऑन प्लास्टिक लैमेला। तुम लोग मोबाइल में पढ़ते हो लैपटॉप में? लक्ष्मी तो लैपटॉप में पढ़ती है। मोबाइल तो तकलीफ तो नहीं होगी आंखों को? नहीं सर, सर मेरे पास लैपटॉप भी है। तो लैपटॉप में पढ़ा करो ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आंखों को ना, स्ट्रेस कम होगा। वैसे मैंने बैकग्राउंड ब्लैक रखा है ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो। नहीं होती आंखों को तकलीफ, अब तो आंख की बेचारी खत्म हो गई। लोकलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सुप्रामोलेक्युलर कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट। प्लास्टिक लैमेला पूछ रहा है। ग्रैनुलर लैमेला सुप्रामोलेक्युलर कॉम्प्लेक्स ऑन प्लास्टिक लैमेला। फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल है ये, पीएस सेकंड प्रोफेसली लोकेशन ग्रैन लैमेला एटीपीजन तेज पीएस में और सुप्रामोलेक्युलर लैमेला पीएस 1 2 लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। स्ट्रोमा लैमेला तो गलत है यार, मैंने साइटोप्लाज्म बी6 से पहले गलत ढूंढो। साइटोप्लाज्म बी6 एफ इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स गलत। आरएस तो गलत है, ऐसे क्वेश्चन में आपको गलत ढूंढना है, फिर सही आपको करेक्ट है। आरएनएस गलत है, एडीपी सिंथेसिस एंड पी सिंथेसिस स्ट्रोमा लैमेला पी एंड क्यू सही है। क्यू क्या है सर? पी एस सेकंड प्रॉपर्ली आर ग्रेनुलर लैमेला एडीपी सिंथेसिस एंड पी एस वन आर लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा लैमेला। एडजेसेंट नहीं है सर। अरे वो एटीपी सिंथेस की बात कर रहा है और पीएस वन की, वो तो अलग एक ही साथ रहेंगे एक ही मेम्ब्रेन पे। पीएस सेकंड पहले हो जाता है ग्रेनल लैमेले की साइड में, फिर स्ट्रोमा की तरफ आ जाओ उधर की तरफ, एटीपी सिंथेस पीएस वन होना चाहिए। अब पीएस वन पीएस टू अगल बगल थोड़ी ना होंगे, खत्म हो गया डायग्राम है फिर तो। और ये साफ साफ कह रहा है कि नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स, जबकि होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई लव दिस क्वेश्चन। क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन इन सी3 प्लांट एंड सी4 प्लांट इज स्टडीड एज ए फंक्शन ऑफ लीफ टेम्परेचर। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस स्टडी। एट लो टेम्परेचर द क्वांटम यील्ड ऑफ सी3 प्लांट इज लोअर देन सी4 प्लांट। In C4 plant, quantum yield does not show a temperature dependence. Since the photorespiration is low in C4 plant because of CO2 concentrating mechanism, quantum yield is not affected. At higher temperature, the quantum yield of C3 plant is lower than C4 plant. कह रहा है टेम्परेचर के फंक्शन में ये पढ़ रहे हैं क्वांटम यील्ड सी3 एंड सी4 प्लांट का। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस थॉट टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पूछ देंगे कि व्हाट इज सी3 है ना, व्हाट इज सी4 वो जमाना गया। अब उन्होंने टेम्परेचर का ग्राफ ही खींच दिया फंक्शन ऑफ लीफ टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर द क्वांटम यील्ड ऑफ सी3 प्लांट इज लोअर देन सी4 प्लांट। At low temperature, quantum yield of C3 plant is lower than C4 plant.
लो टेम्परेचर होगा तो कॉन्टेमेंट सी3 प्लांट की लोअर होगी देन सी3 प्लांट, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सी4 प्लांट में क्वांटम यील्ड डज नॉट शो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये सही हो सकता है क्योंकि इसमें ये दो होती है ना मेसोफिल्स और बंडल शीथ, टेम्परेचर डिपेंडेंस का तो न्यूट्रलाइज कर देता है वो। ठीक, एक तो क्यों करो लो, फिर हो गया सीन द फोटो रेस्पिरेशन इज लो इन सी4 प्लांट, यस बिकॉज ऑफ CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड, प्रोडक्शन कम होता है सी4 प्लांट में, यस CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है इसलिए क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड, ये हो सकता है ट्रू। एंड लास्ट में है आर, मतलब एक ही गलत है, एल्टो टेम्परेचर क्वांटम यील्ड सी4 प्लांट लोअर देन CO2 प्लांट गलत है, यस में क्या हाई टेम्परेचर क्वांटम यील्ड सी4 प्लांट इज लोअर देन, हाँ हायर प्लांट पे सी3 हो जाता है तभी तो सी4 का इवोल्यूशन हुआ और कैम का इवोल्यूशन हुआ, बस समझ गए C4 और स्कैम का इवोल्यूशन क्यों हुआ क्योंकि हाई टेम्परेचर को ये झेल नहीं पा रहे थे ना सी3 प्लांट, तो उसमें मेसोफिल सेल आया बंडल सी था ही, कैम में तो केवल बंडल सी था मेसोफिल सेल है ही नहीं है, बस बन गए हाय रे मैंने क्या गड़बड़ कर दी, तब कोई गड़बड़ कर दी माइक लगाने भूल गया। चलो माइक रहता है ना थोड़ी वॉइस क्लियर रहती है, रिकॉर्डिंग सुनने में अच्छा लगता है। कौन सा ऑप्शन सही है, QRS मैं रीजन पूछ रहा है C3 में क्या C4 का इवोल्यूशन हुआ है उसको इस तरह से बोल रहा है हाई टेम्परेचर क्वांटम यील्ड ऑफ C3 प्लांट इज लोअर देन C4 प्लांट, तो हाई टेम्परेचर में घट गई तभी तो C4 का और कायम का इवोल्यूशन हुआ, एस परफेक्ट हो गया, फोटो रेस्पिरेशन होगी नहीं C4 में उतना ज्यादा क्योंकि CO2 को कंसंट्रेट कर लेती है स्टोमेटा में, है ना, तो आपको पूरा याद ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, लिख के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया करो, मैं भी देखो कॉन्सेप्ट लिखता हूँ दो बार चार बार लिख ना लो फिर तुम्हें चैन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, लिख लोगे फिर होगा काम, फिर तुम्हें डिसीजन लेने में ना आसान होगा। ये वाला क्वेश्चन, अरे यार फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही कौन सा है, पी तो गलत ही लग रहा है, CO2 प्लांट CO2 कंपनसेशन इज नियरली जीरो, एक लाइन फंसा दिया यार। CO2 कंपनसेशन पॉइंट तो जीरो ही होना चाहिए, पी डाउटफुल है बस, इलेवेटेड CO2 लेवल सीधी मच मोर रिस्पॉन्स नो न्यूट्रल जाती है C4 वाले ज्यादा है, तो फर्स्ट देखने से गलत लग रहा है। गेस किया करो ना फटाफट गलत कौन सा है, इस पर पहले टूट पड़ा करो, तो मैं अभ्यास करा रहा हूं, लेस टाइम मोर रिस्पॉन्स और करेक्ट रिस्पॉन्स, हाउ टू जज, यू कैन जज बाय, इसके पहले अनुमान कर लिया था, अच्छा ठीक है ये वाला रह गया, बोलो जवाब सही दो, मैंने डिस्कस तो कर दिया क्या दिक्कत है, फिर से बोले ये वाला, मैं कह रहा हूं कि इसमें कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ट्रू, कह रहा है गलत कौन सा है, तो गलत तो एक ही है पी वाला, बाकी दोनों तो ठीक ही लग रहे हैं, क्यू एंड आर बी ऑप्शन, क्यू एंड आर पी तो एकदम गलत है, सीधा सीधा गलत है, तो पी वाले जितने ऑप्शन है कैंसिल हो जाएंगे, ए एंड सी, तो सी डी में, हाँ डी में क्यू करेक्ट है, हाँ क्यू करेक्ट है, आर करेक्ट है, आर वनली कह दिया जबकि क्यू तो सही है, बिना क्यू के आर वनली का तो मतलब ही नहीं है, फिर ऑप्शन सी सर करेक्ट है क्योंकि उन सब में पी है, पी नहीं होना चाहिए इसमें, पी तो गलत है वही है ना, अच्छा गलत,
पी जहां जहां रहेगा सारे ऑप्शन गलत है, एएमसी कैंसिल हो गया। अब बी और डी में करना है डिस्कशन। तो डी में भी सर पी है। अच्छा कौन सा चश्मा लगाई? डी में कह रही है पी है। कहा है डी में? आर ओनली लिखा हुआ है, बी में है क्यू एंड आर। मैं नीचे हाँ तुम और नीचे देखो, लिखा है डाउनलोड। तुम डाउनलोड हो जाओ। सर मैं वो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है वो वाला क्वेश्चन पढ़ रही, मैं तब से सोच रही ये C12 ये कैसे हमने, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, इसी में तब से खो रही। ऊपर का क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था। आजकल नया ट्रेंड चला है, जब इंडियन एयर बस आ रही थी तो यूक्रेन की सारी लड़कियां आ गई सारे लड़कों के साथ, यहाँ आके शादी कर ली। MBBS नहीं कम्प्लीट हुआ, शादी जरूर हो गया सबका। माँ बाप भी सिर पीट रहे होंगे, गया था MBBS करने लेके आया दुल्हनिया। एक तो चीख चिल्ला रही थी मेरा कुत्ता छूट गया वहीं पे। उसके नहीं थे क्या अपना जान बचाओ पहले कुत्ते को छोड़ दो। इतना मिसाइल गिर रहा है। में वही होता है। चले ये और कर ले 12 कार्बन और 13 कार्बन वाला, ये तो अक्सर आता है, ये मैंने देखा है कि बच्चों को बल्ब फ्यूज जाता है जैसे 12 कार्बन 13 कार्बन देखते हैं ना, कईयों का मूड अपसेट हो जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट है, बी यू एंड आर। क्यू एंड आर, यू एंड आर सही है, यू एंड मी सही है, लक्ष्मी साइलेंट है। लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हारा ऑडियो वीडियो सारा बंद है? अच्छा उसका नेट ही गड़बड़ हो गया था तभी मैं कह रहा हूँ कुछ भी बोल नहीं पा रही है। चलें ये वाला करें एटमॉस्फेरिक CO2 वाला। CO2 कंटेन द नेचुरली ऑकरिंग स्टेबल कार्बन आइसोटोप 12 कार्बन 13 कार्बन इन द प्रोपोर्शन ऑफ 98.9% एंड 1.1%। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग CO2 एसिमिलेशन। मुझे पता ही नहीं है सर। ये कह रहा है इसे समझो, कह रहा है कि मान लो तुम्हें साबित करना हो ठीक है कि कार्बन 12 ले रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए या कार्बन 13 ले रहा है, तो कह रहा है जो एनवायरनमेंट में इसका किया गया एक्सपेरिमेंट तो वो रेशियो ये था कार्बन 12 वाज इन हाई कंसंट्रेशन मतलब 98.9% था और 13 बहुत ही लो था 1.1। अब कह रहा है CO2 एसिमिलेशन के रिगार्डिंग क्या तुम सोचते हो कि क्या सही होना चाहिए? है ना सही क्वेश्चन, जब एक का हाई है तो वही उसी को लेना चाहिए ना कि कौन सा लेगा, C3 C4 में कंपेयर कर रहा है। अभी बुक में थोड़ी मिलेगा बेटा, जो आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी सोचना है उसी लाइन पे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं, कह रहा है ट्रू सेंटेंस ये हमेशा देखा करो ट्रू है फॉल्स है, तो अगर ट्रू है तो हमें फॉल्स देखना है ठीक, करेक्ट ढूंढेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। ओके तो इसमें से देखो आंसर देख लो, गेस करने का सही तरीका बता रहा हूँ। आंसर में देख रहे हो तीन ऑप्शन नहीं है, देख रही हो? यस सर। तीन ऑप्शन नहीं है, दो दो करेक्ट है और तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पी का ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है, ए बी डी में पी है जरूर तो यानी हाँ अगर या तो पी गलत है या तो पी सही है, इस पे जबरदस्ती देख लो वो C3 C4 प्लॉट एसिमिलेट लेस 13 CO2 देन 12 CO2 करेक्ट करेक्ट है ये सही है, तो यानी पी सब में सही है यानी चलो एक मान लो कि सही 50-50। क्यों में देखो
बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स एसिमिलेट लेस जो एनवायरनमेंट में ज्यादा होगा एसिमिलेशन की लेस क्यों होगी, तो क्यू इज रॉन्ग ठीक, तो ये ऑप्शन कट आई कि नहीं आई नहीं ना लक्ष्मी आ गई, ये रॉन्ग हो गया, अब देखो तू रॉन्ग हो गया, ये सही है, ऐसे एग्जाम में भी करना है। सीधी प्लांट एसिमिलेट लेसर CO2 देन 12 CO2 एज कंपेयर टू C4, ये भी डाउटफुल हो गया, डाउटफुल में क्वेश्चन मार्क लगा दो। C4 प्लांट एसिमिलेट लेसर 13 CO2 देन 12 CO2 एज कंपेयर टू सीधी प्लांट, हे रामा मतलब दोनों में से एक है जो एसिमिलेट ज्यादा कर रहा है, ये कहना चाह रहा है वो, तो ये पूछ रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि CO2 कंपनसेशन किसमें ज्यादा अच्छी है, C3 में या C4 में, बोलो पहले इसका जवाब दे दो फिर आगे आंसर आपको दिया जाएगा सर। CO2 कंपनसेशन CO2 कंपनसेशन किसमें अच्छी है, C4 में है ना, नहीं नहीं C4 में है कार्बन अच्छी कंपनसेशन, हाँ वो C4 में सबसे ज्यादा है ठीक है, C3 में सबसे ज्यादा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि CO2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दो किसी चीज की तो C4 में ज्यादा कैपेसिटी होती है उसको सिमुलेट करने की ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम लॉजिक देखें तो वो दोनों को इनकॉर्पोरेट करेगा, 12 सी को भी करेगा 13 सी को भी करेगा, तो C3 प्लांट का आर वाला जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, C3 प्लांट एसिमिलेट लेसर 13 CO2 देन 12 CO2 एज कंपेयर टू CO2 प्लांट C4 प्लांट, तो अगर आर सही है तो यस गलत है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही लग रहा है, ये मुझे गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। अब तुम लोग अपना व्यूज दो, अभी रोटी बनानी है यार, ये जो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी आलसी बच्चों लक्ष्मी कुछ बोलो, लक्ष्मी सो गई, आंखें बंद है, मैं सो रही हूँ तुम्हें पक्का बता दूँ, तुम कैमरा ऑन करके दिखाओगे तुम जाग रही हो नहीं सर सो तो नहीं रही तुम्हारी आधे घंटे से कोई आवाज नहीं आई, बिल्किस से पूछ लो, बिल्किस खुदा गवाह है सर खुदा गवाह है लक्ष्मी आधे घंटे से नहीं बोल रही नहीं सर वो मैं भी थक जाती हूँ रोजा रखते रखते दिन को अब तो रोजा खत्म हो गया होगा, हाँ फिर सर फिर वो ज्यादा जैसे फिर कुछ खा लेते हैं हाँ। फिर जैसे वीकनेस आ जाती है, एनर्जी गेन करने में टाइम लगता है ना, रोजा रखने में तो इतने पत्थर लोग मार रहे हैं रोजा नहीं होता तब कितने पत्थर मारते बताओ, कैसे लोग हैं अनपढ़, एक धर्म के लोग वेस्ट बंगाल में राजस्थान में गुजरात में सैकड़ों घायल हुए, ये क्या बदतमीजी, तो बदतमीज लोगों का काम है, ये शांति दूसरे लोग पूजा करते हैं तो उनको तकलीफ होती है, तुम अपने धर्म की पालन करो, अपने धर्म का पालन करें तुम्हें क्या तकलीफ होती है भाई, तो अपना काम करो, अपना काम नहीं करना है, वो छत पे पत्थर इकट्ठा रख लेंगे गंवार लोग मदरसे में पढ़े लेते हैं ये सर पॉलिटिक्स है वरना ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स ही है, नेता साथ में रहते हैं कांग्रेस आई के, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी खड़ी है पत्थर मारो, ये पत्थर मार के कौन सा वोट मिलता है मुझे समझ नहीं आती सर, अंग्रेजों का वो डिवाइड एंड क्या है, हाँ डिवाइड एंड रोड, डिवाइड एंड रोड, विकास तो करना नहीं, रोड बनवाना नहीं, नाली बनवाना नहीं, बिजली लाना नहीं, घर बनवाना नहीं, राशन देना नहीं, हेल्थ देना नहीं, तो दो चार ऐसे करके हाँ फेवर लूट लेंगे कि हमने भाई फेवर किया आपका, आपने पत्थर मार दिया हमने आपको जेल में नहीं डाला
ये सब ऐसी कहानियां बस बनाओ इशू, ये मजहब तो इनका वो बन गया है सर, रिलीजन बिजनेस। हाँ, लोगों को रिलीजन पे तो ये पता कर, कश्मीर तबाह कर दिया बिना बात के, कश्मीर के बच्चों को तबाह कर दिया, खाली बिजनेस बना लिया आतंकवाद को, बच्चों को अंधा करो, गलत पाठ पढ़ाओ, उनको बंदूक उठाओ। अरे सुक्रोज कंसेंट्रेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ाओ ना बच्चों को, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान पता लगे MBBS करने गए थे जितने बच्चे, उनको वहां हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे, बताओ बच्चे तो गए MBBS करने, उनको ट्रेनिंग दे रहे, वो कितने साल के बच्चे, 15 साल के, और उनको बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे नहीं ट्रेनिंग करोगे तो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये केस आया हुआ है हिंदुस्तान की जो एजेंसी है ना वो निकाल के ले आई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू करके सारे बच्चों को वापस ले आए, बड़े बदमाश है पाकिस्तानी, मजाक थोड़ी ना ऐसे थोड़ी पूरा वर्ल्ड तंग है पाकिस्तानी, अमेरिका तंग, सारे तंग है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ सुक्रोज अपटेक विद रिस्पेक्ट टू सुक्रोज। हाँ ये क्वेश्चन जबरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट, जिसको तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है मान लो ऐसा हो कि एक प्लांट सेल है, ठीक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस से सुक्रोज बन भी रही है, ठीक है, और अपने लिविंग के लिए वो सुक्रोज ले भी रहा है, तो उसका ग्राफ क्या आना चाहिए। मान लो ग्राफ आ गया ये, ठीक है, बच्चे ने रिसर्च किया और ये ग्राफ आ गया, तो इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालते हो। नहीं समझे, एक लीफ है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो सुक्रोज इसके अंदर बन रही है और सुक्रोज यूटिलाइज भी कर रहा है, तो ग्राफ का ऐसा आ रहा है सुक्रोज अपटेक इज इनिशियली मोर देन, फिर थम जाता है, फिर तेज हो जाता है, तो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। Haptic energy is dependent and spatial carrier is involved. कर कैरियर की वजह से हो रहा है, देखो जब भी एनालाइज करो उल्टा, कोई कैरियर की वजह से हो रहा है मुझे तो नहीं लग रहा है। सुक्रोज अपटेक इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड स्पेशल कैरियर इज इन्वॉल्व, स्पेशल कैरियर तो इन्वॉल्व होता है बट एनर्जी डिपेंडेंट कहना थोड़ा सा डाउटफुल है। लोअर कंसेंट्रेशन सुक्रोज अपटेक ऑफ सुक्रोज, मतलब कह रहा है एनर्जी ज्यादा क्यों खा रहा है, सुक्रोज अपटेक जो है ज्यादा हो रही है ना, ऐसे ग्राफ से देखो सुक्रोज अपटेक इज मोर देन सुक्रोज कंसेंट्रेशन, वाई दे आर आस्किंग द रीजन। जितने शेषा बच्चे पढ़ते हैं उनके बाल गंजे हो जाते हैं। नहीं सर उनके पास गंजे नहीं, मैंने बहुत सारे देखे उनके बहुत बार, बस वो उन्होंने क्वालिफाई किया। ये इसी ग्राफ की तरह है, बाल जब शुरू से तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़ जाते हैं और जैसे एक दो बार नहीं हुआ तो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, फिर जैसे थोड़ा सीएसआर क्वालिफाई करने वाले होते हैं तो डबल रेट से बढ़ जाते हैं उनके बाल, तो फिर स्टाइल मारने लगते हैं वो। लोअर कंसर्न सुक्रोज अपटेक ऑफ सुक्रोज एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर, ये हो सकता है सही कैरियर में रिलेटेड। हायर कंसर्न सुक्रोज अपटेक इज एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर में, ये तो हो ही नहीं सकता, सुक्रोज अपटेक एनर्जी डिपेंडेंट स्पेशल कैरियर इन्वॉल्व, तो बी एंड सी मुझे सही लग रहा है। इसका आंसर कहाँ गया, बी एंड सी दोनों सही लग रहा है, सुक्रोज अपटेक इज एनर्जी डिपेंडेंट क्योंकि बी की लाइन को सी सपोर्ट कर रहा है, जबकि ए पूरा फॉल्स है और डी उल्टा बोल रहा है। हमें क्या कॉन्फर कर सकते हो बाई एब ग्राफ, तो दो भी सही हो सकता है, हाँ एक ही सही है, लेकिन इसमें सिर्फ फिर तो ए सही है ना, ये तो गलत है ना, क्योंकि आपने कहा था ना कि एनर्जी डिपेंडेंट कुछ सही नहीं है, अगर स्पेशल कैरियर है तो वहां पे ना स्पेशल कैरियर है और ना डिपेंडेंट है, वहां इंडिपेंडेंट है एंड नो स्पेशल कैरियर इज इन्वॉल्वड। हाँ ये भी सही हो सकता है, हम सो प्लांट के बारे में सोचते सोचते ना चले जाते हैं ह्यूमन बीइंग में,
तो वहां ह्यूमन बींग में जब भी ग्लूकोज ट्रांसफर होता है किडनी में या लीवर में, तो वहां कैरियर डिपेंडेंट हो जाता है, उल्टा हो गया ना सोचते सोचते। प्लांट में अलग है कहानी। तो फिर प्लांट में कैरियर स्पेशल नहीं है, तो नहीं है, हाँ, और ये सही है। तो फिर एक ये सही, हाँ ये सही होना चाहिए, यस ये सही होना चाहिए। क्योंकि ये बाकी सब इधर उधर के आजकल लग रहे हैं। क्वांटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिवर्सल इन फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली ड्रॉप इन फार लाइट, दिस इज कॉल्ड एज लाइट इज डोमिनेंट एनवायरमेंटल सी कंट्रोल, फॉर ड्रॉप, रेड ड्रॉप, ब्लू ड्रॉप, विजिबल ड्रॉप, क्या है सर? फॉर रेड ड्रॉप, फॉर रेड ड्रॉप, अच्छा कौन सा मिल रहा है सिंपल सेकंड वाला ऑप्शन देखो, इसका चिप गया जरा, रेड ड्रॉप रंग जा, हाँ सेकंड वाला ऑप्शन देखो, लाइट इज डोमिनेंट एनवायरमेंटल सिग्नल दैट कंट्रोल स्टोमेटल मूवमेंट इन लीफ ऑफ वेल वाटर प्लांट्स ग्रोन इन नेचुरल एनवायरमेंट। कह रहा है लाइट इज डोमिनेंट एनवायरमेंटल सिग्नल जो कि स्टोमेटा को भी कंट्रोल करता है। कौन से वेवलेंथ की लाइट है जो स्टोमेटा कंट्रोल करती है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो स्टोमेटा, रेड लाइट, नो हाँ रेड लाइट, ब्लू लाइट बोला था ना, लिख लो इस पॉइंट को, पहले क्वेश्चन आया था ऐसा, पर मैंने लिखा होगा पता नहीं कहाँ पर, ब्लू लाइट अभी तो बताया था अंजू कुमारी आगे, ब्लू लाइट श्वेता को भी बुला लेना, श्वेता को भी मैसेज कर दे। यस सर। तुमको तो कब का मैसेज बताया, अभी टाइम भी बताया था 7:30 बजे से स्टार्ट हुआ है, आप लेट क्यों होंगे बेटा? ऐसे लेट नहीं कर सकते ना, आप बॉर्डर पे खड़े हो, दुश्मन एकदम गोली चला देगा शहर जुलाई में, टाइम से 5 मिनट पहले आना है, अगर 7 का टाइम दिया है तो 8:30 बजे नहीं आना है आवाज आ रही प्रॉपर? हम लोग काफी डिस्कशन कर चुके हैं C3 C4 कैम है ना, चलो अभी चले जा रहे हैं, हाँ वही कह रहा, बस लास्ट ही कर रहे हैं। तो ब्लू लाइट नोट कर लिया ना, ब्लू लाइट इज कंट्रोलिंग दिस मैटर इन प्लस साइट ऑफ कपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन इज लास्ट बता दो, साइट ऑफ कपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कहां पे, वो एटीपीएज होता है, एटीपी सिंथेसिस इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थायलकोइड स्टोमर, इनर मेम्ब्रेन, थायलकोइड, थायलकोइड में होता है। अभी बहुत पढ़ाई करनी है तुम लोग को, पढ़ो 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 तभी पढ़ोगे। बिल्किस की आवाज से ना लगता है हाँ भाई अब सारा मामला सेट है बस सिर्फ अंजू पढ़ाई करेगी। अंजू टेक इंस्पिरेशन। यस सर। हाँ इंस्पिरेशन, कितने लोगों का खाना बना के आएगी? 15 लोगों का? नो सर। फिर बिल्किस तो कह रही थी कि अंजू खाना बना रही होगी 15 लोगों का। नो सर, ये चैप्टर हम अभी पढ़ नहीं थे इसलिए आई नहीं। अरे बाप रे, पहाड़ पे चढ़ना था, आ रही आ जाती कुछ सुन लेती, शुरू से सुनूंगी तो कुछ तो दिमाग में जाएगा, ठीक है ना? देखो कितना पढ़ाया, देख रही हो, सोचा कुछ मत करो, पूछ लिया करो, क्लास का लिंक है ज्वाइन करो, नहीं लिंक है तो पढ़ाई करो, ठीक है? बात समझ आ गई? हाँ अगर क्लास का लिंक दिया है तो आना है आपको, टाइम से आना है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तब आप अपनी पढ़ाई करो, कौन रोकता है? ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।